तो फिर मेरा ये देखो, मेरे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आइडियल, इंस्पिरेशन, फेवरेट पर्सन, फेवरेट यूट्यूबर है माधव धरना। कौन से देख लो, कौन सी इंटरटेनमेंट ब्लॉग है भाई? अभी स्क्रीन पर बढ़ाओ क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त आपका शाहरुख खान और आप देख रहे हैं शाहरुख खान ब्लॉग। आज आपका भाई पहुंच गया है एट्रियम में। भाई एट्रियम में आने की खास वजह थी कि आज यहां पर है मां सफदर का मीटअप, जो 5 बजे यहां पर आने वाले हैं। मां सफदर का कहीं पर मीटअप होता है, आपका भाई जो वहां पहुंच जाता है और जाके वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो आज हम जो आ गए हूँ यहाँ पे फराज भाई के साथ। तो फराज भाई, मां सफदर को पसंद करते हो नहीं करते हो? नहीं, क्यों नहीं करता भाई? उनके ब्लॉग देखते ही, मैं नादिर अली को देखता हूँ, मैं प्रैंक बनाता हूँ बेसिकली, तो मैं नादिर अली को देखता हूँ भाई। अबे तो भाई, जितनी सारी ऑडियंस है आवाम है, ये पागल है जो यहाँ पे आईवीएस के चक्कर में। ये आपने जो सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि इतनी पब्लिक देख के मैं खुश हो गया कि यार इतने लोग मां सफदर को देखते हैं। और नो डाउट मैंने एक आध कोई ब्लॉग इस पर आँख पे चढ़ गया होगा तो मैंने देख लिया हो, लेकिन इंशाल्लाह यार देखेंगे, भाई को देखेंगे, बड़ा मैंने देखा है। और मैं तो ये देखा कि सारी ऑडियंस यहाँ पे आई हुई है, आपको ऑडियंस दिखाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि मां सफदर से भी कुछ सवाल करें और यहाँ की जो ऑडियंस है उनसे भी कुछ बातचीत कर ली जाए। ये बच्चा जो है मां सफदर का बहुत ज्यादा फैन है, मैंने इसके काफी सारे खुद भी ब्लॉग देखे हैं। ये बकायदा मां सफदर के घर पे गया भी था और सही है, वहाँ मुलाकात नहीं हो सकी थी, सही है। अब आज भी आया तो आज थोड़ा सा ये शायद लेट हो गया, क्या चक्कर हुआ? हाँ, मुझे मिलना नहीं था। क्यों नहीं मिलना था? नाराज से क्या हुआ था तुझे? ये बात नहीं है। तो फिर मेरा ये देखो, मेरे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आइडियल, इंस्पिरेशन, फेवरेट पर्सन, फेवरेट यूट्यूबर है माधव धरना। मैं तुम्हारे व्लॉग देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम बहुत अच्छे व्लॉगिंग करते हो। अभी लास्ट टाइम तुम हैदराबाद से कराची वापस आए हो, मैंने सारे व्लॉगिंग देखे तुम्हारे। तुम्हारा हैदराबाद छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था, ऐसे ही है ना? अब तुम आ गए हो तो डकी भाई से मिलोगे, किससे मिलोगे? उससे भी मिश्कात खान से मिलोगे, किससे मिलोगे? सबके शौकी हो। मैं तुमने मां सफदर से मेरे सबसे मिल लिया यार। जैसे कि मैंने सुना था कि लोग जो है मां सफदर के व्लॉग जो है वो खाना खाते टाइम भी देख रहे होते हैं, तो इस वक्त एक ऐसा बच्चा मुझे मिल गया जो ये माशाल्लाह मां सफदर का इतना बिग फैन है कि उस टाइम जो मां सफदर का जब खाना खा रहा होता है तो उस टाइम उसका व्लॉग देख रहा होता है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा खाना हजम नहीं होता मां सफदर का व्लॉग देखते? नहीं होता। क्यों भाई, इतना पसंद क्यों करते हो? बहुत अच्छे लगते हैं। मैं 4 साल से देख रहा हूं। 4 साल से देखे? तो उसके कौन कौन से मीटअप में तुम गए हो? नहीं, मैं तो पहला ही मीटअप में, पहले ही मीटअप में, उससे पहले भी 3-4 मीटअप कर चुका है, उसमें नहीं गए? नहीं, मैं उसमें नहीं। एक दफा एटीएम में भी आया था वो, जहाँ पे यहाँ पे परफ्यूम की लॉन्चिंग करी थी। नहीं, मैं उसमें नहीं गया। अच्छा, तो एक बार बताओ मां सफदर की क्या खास बात तुम्हें अच्छी लगती है? मां सफदर की पर्सनैलिटी, वो जो कैब पहनता है, रमजानों में टोपी पहन लेता है। मां सफदर 5 बजे यहाँ पर आने वाला है, तो ये बच्चा भी मुझे मिल गया है, सही है, मेरी नजर में बच्चा है, वैसे तो ये बड़ा ही है भाई, तो ये आ गया भाई। क्यों आयो? माज भाई से मिलने के लिए यार। तो भाई क्या हो गया, माज सदर से किसी और से मिलने चले जाता है, इससे मिलने क्यों आया? माज भाई की पर्सनैलिटी अलग है ना, उसका लुकिंग अलग है। अच्छा, लुकिंग अलग है तो वो बंदों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। बाकी हमने बहुत से यूट्यूबर का मीटअप किया है, एम्पायर वाइटी के पास, मजा नहीं है। तो मैं उसको 1 लाख सब्सक्राइबर से देखते हुए आ रहा हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर थे तो मिलियंस में। जब टिकटॉक शो ये करता था, गेम शो में, तब से देखते हुए आ रहे। तो फिर इसके अलावा कौन सा ब्लॉगर है जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है? माज सफदर के अलावा पहले पे तो देखो भाई, मां सफदर पहले पे तो वो है, मां सफदर। बाकी इधर उधर छोटे बड़े व्लॉगरों को देख लेते, रजब हो गया, डकी भाई हो गया, लेकिन मां सफदर अगर मेरे सामने सबका व्लॉग भी रखो ना, पहले मां सफदर का जो सा भी कंटेंट हो यार, तू तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मां सफदर तेरे सामने आएगा तो उससे हाथ मिला लिया तो रो जाएगा यार। क्या असलम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अबे तो इतना क्यों शर्मा रहे हो? क्या हुआ, मां सफदर से मिलने आया ना, किसी और से तो मिलने नहीं आया ना? नहीं नहीं, अभी किस बात के शर्मा रहे हो? अच्छा भाई, यहाँ क्यों आ गए? खैरियत? ऐसे ही मां सफदर से मिलने क्यों आया भाई? मां सफदर मतलब कौन लगता है तुम्हारा? चाचा का बेटा है, पापा का बेटा कौन है? नहीं, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं। अच्छा, तो तुम्हें उसकी वीडियो अच्छी लगती है? हाँ। क्यों अच्छी लगती है? मतलब उसकी कोई एक बात बताओ, कोई खास चीज बताओ कि यार ये चीज जो है ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। कंटेंट अच्छा है, फैमिली व्लॉगिंग वगैरह बनाते हैं तो मजा आता है आप लोगों को। मजा खाने के साथ तो हम वही। अगर तुम इत्तेफाक करो कि मां सफदर तुमसे आके हाथ मिला ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। Oh,
कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं। यहाँ से किसने सही जवाब दिया था मास भाई? ये रहा। नवंबर में 19 में तो नहीं आती है, 15 नवंबर सब एक एक करके सारी डेट्स बताएगा। नहीं ब्लॉक करी, मास भाई वन गिफ्ट फॉर मी। बड़े मुश्किल के बाद जो है माशाल्लाह से जो है हमने ले लिया है, ये खत्म हो चुके थे वरना वो गिफ्ट भी यहाँ पे मिलते हैं, वो सब कलेक्ट किए, ये मिला इनको ये। भाई मैं तो ये कहूंगा कि मोबाइल की चार्जिंग खत्म होने वाली है, इसी ब्लॉग को ये एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार देने का शुक्रिया, वीडियो को एंड तक की आप लोग आए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मास सरकार को आपका पूरा ब्लॉग जो है आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या क्या एंजॉय किया, और इसी तरह से हर मीटअप के अंदर जो है आपके लिए लेके आते रहेंगे और जहाँ पे भी मास सरकार जाएंगे वहां मिलेंगे। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, हसल अभी तक पे बाय बाय टाटा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।